दोस्तों आप लोग जैसे कि जानते हैं हाल में केदार खान की मृत्यु हो चुकी है और इसमें और एक पोस्ट वायरल हो रहा है। पोस्ट में बताया जा रहा है अब मिथुन चक्रवर्ती का भी मृत्यु हो चुकी है। तो ये पोस्ट कितना सच है कितना झूठ है मैं आप लोगों को बताऊंगा। इस वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए 2018 में हम लोगों ने श्रीदेवी को खोया है और 2019 में केदार खान जी को, और अब बताया जा रहा है कि मिथुन चक्रवर्ती को भी हम लोगों ने खो दिया है। वायरल वीडियो में बताया जा रहा है कि मिथुन चक्रवर्ती काफ़ी दिनों से बीमार था और अमेरिका के एक बड़ा सा हॉस्पिटल में उनकी ट्रीटमेंट चल रहा था और उनकी उसी के दौरान उनकी मौत हो गई। और ये वायरल वीडियो में एक फ़ोटो भी दिया गया है जहां पर दिखाया जा रहा है कि मिथुन चक्रवर्ती हॉस्पिटल में भर्ती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ ये फ़ोटो कब की है। तो देखिए मिथुन चक्रवर्ती एक फिल्म शूटिंग के दौरान एक स्टैंड कर रहा था, तब उनकी थोड़ी सी चोट आई थी, तब वो हॉस्पिटल में कुछ दिन भर्ती थे, उसकी ट्रीटमेंट चल रहा था, तब किसने वो फोटो खींचा है और ये अब वायरल हो चुके। मैं बता दूं ये वायरल वीडियो बिल्कुल फेक है, ये सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए है, किसी ने इसको वायरल कर दिया है। इससे पहले भी और एक भी वीडियो वायरल हुआ था, वीडियो में बताया गया था अमिताभ बच्चन की मृत्यु हो चुकी है जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, और अब बताया जा रहा है कि मिथुन चक्रवर्ती का भी मृत्यु हो चुके हैं। तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ये एक अफवाह है। आपको मैं बता दूं फ्रेंड्स इंटरनेट में 50% चीज़ें फेक बताई जाती है सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए। मिथुन चक्रवर्ती बहुत बड़ा कलाकार है, बहुत बड़ा एक्टर है जिसका टॉलीवुड बॉलीवुड में अच्छा खासा नाम है, बहुत इज्जत है। अगर उनकी मौत हो गई तो यार ब्रेकिंग न्यूज़ चलेगी टीवी पे, हेडलाइंस चलेगी टीवी पे। तो यार ऐसे उठपटांग वीडियो मत देखिए, मत शेयर कीजिए, और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी पता चले क्या सच है क्या झूठ है। इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद पास में जो बेल वाला आइकन आएगा उसको भी क्लिक कर लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।